नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के दमोह के बाजार अब प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सारे बंद रहेंगे और साथ में मॉल, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। कोरोना पॉजिटिव की संख्या दमोह में बढ़ रही है, अब यह बढ़कर 7 हो गई है। आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट और प्राप्त हुई जिससे बढ़कर यह 7 हो गई है। वहीं दूसरी ओर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से मजदूर दमोह पहुंचे, जहां प्रशासनिक अमला मौजूद था दमोह में और उन्हें मजदूरों को उनका स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात घर जाने की व्यवस्था बसों के माध्यम से की गई। अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सोशल डिस्टेंस और धूम्रपान आप साफ देख सकते हैं दमोह की कृषि उपज मंडी में। धज्जियां उड़ रही हैं यहां नियम और कायदा कानूनों की। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अब बाजार प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। रात्रि शाम को यानी 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को सड़क पर घूमना या किसी कार्य से निकलना प्रतिबंधित बताया गया है। आवश्यक कार्य कुछ में छूट दी गई है और साथ में यह प्रतिबंधित किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मॉल और शैक्षणिक संस्थाएं सारी बंद रहेंगी। बाजार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। कल तक यह 6 थी, आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया जिससे बढ़कर यह 7 हो गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से मजदूर दिल्ली से दमोह पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। दमोह रेलवे स्टेशन पर सारे मजदूरों की जांच की गई और उन्हें भेजा गया उनके ग्राम। बसों के माध्यम से सारी व्यवस्था की गई थी। अब बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की। तो सोशल डिस्टेंस के मामले में हम आपको बता दें कि यह नियम बनाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिसके चलते सोशल डिस्टेंस, मुंह पर मास्क लगाना, धूम्रपान ना करना, जगह जगह नहीं थूकना और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। पर इन नियमों की धज्जियां किस प्रकार उड़ रही हैं मध्य प्रदेश के दमोह के कृषि उपज मंडी में आसानी से देखा जा सकता है। यहां पर किस प्रकार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं और साथ में धूम्रपान करते लोग देखे जाते हैं, यह आप आसानी से देख सकते हैं। यहां पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं और यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर यहां पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहा है। यह थे आज के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए LNB TV। नमस्कार।